एक ही आदमी चलना पड़ता बाइक पे, कार पे चलना है तो एक ड्राइवर और एक आदमी दोनों जा सकते हैं। और ये भी परचेस जो भी कॉलोनी में रहते हैं ये नजदीक में परचेस करना, दूर नहीं चलना। इसके अलावा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये ऑटोस हो, टैक्सीज हो, बसेस हो और कोई भी हो, पूरा बैन है। वेदर इट इज नाइट और डे 100% दे आर बैन्ड। देयर मूवमेंट विल बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंड दे विल बी सीज्ड। ये वायलेशन करे तो सीज करेंगे और ये लॉ के अनुसार ये एक्शन भी उनके खिलाफ ले लेंगे। और हमारे तरफ से, तेलंगाना पुलिस की तरफ से, हम पूरा चेक पोस्ट हर एक पुलिस स्टेशन एरिया में रखेंगे। हम देखेंगे कोई भी रोड पर आए तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं करे तो उनका गाड़ी सीज हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू प्लीज एडहर टू दीज नॉर्म्स, फॉलो द स्पिरिट बिहाइंड दिस लॉकडाउन एंड एंश्योर 100% इंडोर स्टे ऑफ द पीपल एंड दे डोंट स्प्रेड एनीवन फ्रॉम हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द नेक्स्ट नाइबर दिस कोरोना वायरस एंड एंडेंजर द लाइव्स ऑफ अदर्स। बाद में पूरे तेलंगाना में हमने एक लॉकडाउन का ऐलान किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, और इसके तहत सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, ना कोई गाड़ी बाहर से आएगी ना बाहर जाएगी। कुछ चीज़ों को हमने इसके दायरे से बाहर रखा है, जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें, दूध, सब्जी इत्यादि, और उनके लिए हमने कुछ कंसेशन दिया है, वो लोग आ जा सकते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या कुछ एसेंशियल सर्विसेज में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इन सब लोगों को भी हमने वो सुविधा दी है। आज शाम 7 बजे से, रोज शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक टोटल कर्फ्यू होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर वो घर से बाहर निकलते हैं बिना वजह, एक ही वजह हो सकता है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, और अगर कोई ऐसे घूमता हुआ पाया गया तो उनको, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग देंगे। ये सहयोग इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम इस कोरोना वायरस को रोकना चाहते हैं तो ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।